जिला मुख्यालय नाहन में मंगलवार सुबह 9 बजे ईद उल फितर की मुख्य नमाज अदा की गई। शहर के रामकुंडी में स्थित नगर परिषद के मैदान में हजारों नमाजियों ने एक साथ नमाज पढ़ी और देश व प्रदेश में अमन चैन की दुआएं मांगी। दरअसल 2 साल के बाद सामूहिक रूप से ईद उल फितर की नमाज नगर परिषद के मैदान में सामूहिक रूप से अदा की गई। कोरोना काल की वजह से 2 साल से मस्जिदों व घरों में ही नमाज पढ़ी जा रही थी। शहर के कच्चा टैंक जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल रऊफ ने मुस्लिम भाइयों को ईद की नमाज अदा करवाई। इससे पूर्व नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल, भाजपा जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता सहित अन्य भाजपा नेता भी यहां मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने पहुंचे। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है। इस ईद के दिन हम सब बहुत खुश हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये ईद का दिन हमें नसीब फरमाया है। पिछले 2 सालों में ईद की नमाज़ नहीं हो सकी, लेकिन 2 साल के बाद आज फिर वो खुशी जो हमें ईद में मिलती थी वो नसीब हुई है। हम इस पर खुदा का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ईद ऐसे ही हमेशा आती रहेगी। हम एक दूसरे को गले लगाते रहेंगे, खुशियाँ बाँटते रहेंगे। और इस मुबारक मौके पर हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस ईद को ज़िंदगी में बार बार लाए और हमारे मुल्क के अंदर, हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर खुशहाली, तरक्की, अमन, चैन, सुकून, मोहब्बत, एक दूसरे की हमदर्दी अल्लाह तबारक व ताला नसीब फरमाए। आज सारी दुनिया में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। नाहन में भी रामकुंडी मैदान में ईद की नमाज अदा हो रही है। हम ईद के इस मुबारक मौका पर सभी इलाका वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आना वाला समय विकास की ओर अग्रसर हो। हम सब लोग, सभी देशवासी मिल करके अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, यही हम दुआ करते हैं। सुख शांति हो, इसकी भी हम प्रार्थना करते हैं और फिर से ईद की मुबारकबाद अदा कर देते हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से शैलेश सैनी। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशन्स ओपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी टू 12th, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062।